الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائدي الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों और दीनी बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज की ये मजलिस जो सजी है इस टॉपिक के तहत के जादू की तबाहकारियाँ और उसका शरी इलाज। इशा इस हवाले से मख्तसर गुफ्तु की जाएगी अलबत् जादू का बरा रास्त डायरेक्ट ताल्लुक होता है जन्ात से और शयातीन से क्योंकि जादू का अमल उस वक्त तक कारगर हो ही नहीं सकता जब तक के जिन्नात और शयातीन से ताल्लुक पैदा ना किया जाए लेकिन आज हम जिन्नात के बारे में बात करने वाले नहीं हैं शयातीन के बारे में भी बात करने वाले नहीं हैं इस हवाले से हमारी गुफ्तु उर्दू बयान कोयत पर वीडियोस की शक्ल में मौजूद है हमारे अहबाब अगर देखना चाहें तो उसकी तरफ़ रजू कर सकते हैं आज हम सिर्फ़ जादू के बारे में बात करना चाहते हैं जादू की हकीक़त क्या है जादू की तबाहकारियाँ क्या हैं और फिर जादू से कैसे बचा जाए सबसे पहले ये बात नोट कीजिए कि जादू एक खिलाफ आदत चीज़ है आदत के खिलाफ चीज़ है और आदत के खिलाफ कोई चीज़ किसी नबी के हाथ पर जाहिर हो तो उसे हम मुआजा कहते हैं आदत के खिलाफ कोई चीज़ किसी वली के हाथ पर जाहिर हो तो उसे हम करामत कहते हैं और मुजजा और करामत दोनों के दोनों किसी नबी या वली के इख्तियार में नहीं होता बल्कि अल्लाह की चाहत से ऐसा होता है और एक तीसरी शक्ल है जिसको हम इस्तराज कहते हैं ये भी आदत के ख़िलाफ़ होता है यानी आदत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ किसी सरकश नाफरमान अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन के हाथ पर जाहिर हो तो चूँकि उनका ताल्लुक शयातिन से होता है जिन्नास से होता है और शयातीन को अल्लाह ताला ने छुपकर बहुत सारे काम करने का इख्तियार दिया है इसलिए वो इंसानों की नज़र बाँध कर बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो एक इंसान के सामने आदत के ख़िलाफ़ दिखती हैं तो इस्तराज भी असल में अल्लाह के हुक्म से ही होता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कुछ मौका देता है ताकि आजमाएं फिर पकड़ता है तो होश ठिकाने लग जाते हैं या फिर यह है कि दुनिया में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मौका देता है इंसानों के ईमान की आजमाइश के लिए जैसे कि दजाजला करते हैं और आख़िर वक्त में एक दज्जाल भी दाहिर होगा जो हुक्म देगा तो बारिश होगी जो हुक्म देगा तो एक इंसान उसके हुक्म से जिंदा हो जाएगा तो ये दजाजला हैं जिनके शर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम अल्लाह के जनाब में पनाह मांगते रहें बरकैफ़ जादू क्या है जादू अरबी ज़बान में शहर को कहते हैं और इसकी असल ये है कि किसी चीज़ को उसली उसकी असल हकीकत से फेर दिया जाए इमाम इमामजी रमत जादू की शर् तारीफ़ करते हुए कहा कि शहर कहते हैं इस चीज़ को कि जिसका सबब बिल्कुल गामिज़ हो छुपा हुआ हो और हकीक़त के ख़िलाफ़ नज़र आए धोखा दे गोया के नज़र बांधने को दरअसल जादू कहते हैं इमाम करतुबी रहमत लरमाते हैं कि शहर या जादू बनावटी हिले होते हैं जिनको सीख कर हासिल किया जाता है गोया कि ये सीखा जाने वाला एक इल्म है एक इल्म है जो बड़ी रियादत और मेहनत से हासिल होता है इमाम इबन खुदाम अलैह ने बयान किया कि जादू गिरह या मंतर या कलाम है जो पढ़ा या लिखा जाता है या कुछ दूसरे तरीक़ों से अमल किया जाता है जो शहर के बदन या उसके दिल या उसके दिमाग पर अंदाज़ होता है तो यह है जादू अब सवाल यह है कि यह असरअंदाज होता कैसे है तो जादू एक असल में नफ्सियाती असर है जो नफ्स के रास्ते से जिस्म को मुतासर करता है जब मशहूर के यानी जिस पर जादू हुआ है उसके जिस्म की तदबीर जादूगर के हवाले हो जाती है कुछ है, अवराद और मंत्र के ज़रिया तो अब वो जादूगर उस इंसान की फ़िक्र उसके दिल और उसके एहसास पर काबिज़ हो जाता है और ये आदा उसका साथ छोड़ देते हैं फिर जादूगर अपने हिसाब से उसकी जिस्मानी ताकत को जैसे चाहता है फेरता रहता है और ये सब के सब अल्लाह की इजाज़त से होता है जैसे बीमारी अल्लाह की इजाज़त से लायक होती है बिल्कुल जादू भी अल्लाह की इजाज़त से होता है और नोट करने की चीज़ है कि जादू में ये असर नहीं होता के हकीकत को चेंज कर दे हकीक़त को बदल दे बस इसका असर इतना होता है कि ये मिजाज में तब्दीली पैदा करता है जिसम अक़ल और हवास पर असर अंदाज होता है हकीक़त को चेंज नहीं करता ऐसा नहीं है कि मोबाइल को वो चाहे तो जानवर बना दे नहीं बल्कि वो शक्ल बदल देता है मिजाज बदल देता है अकल और हवास पर अंदाज़ होता है सवाल यह है कि जादू कैसे सीखा जाता है जादू जैसा कि हमने अभी कहा है कि ये कस्बी इल्म है ये सीखा जाने वाला इल्म है जो बड़ी मेहनत करने के बाद हासिल होता है लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जादू का इल्म तभी हासिल होगा जबकि एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा शरीयत से बगावत करेगा शिरक का इरतक करेगा शयातीन और जिन्नास से ताल्लुक पैदा करेगा तो जादू के बिलुमूम तीन अज्जा होते हैं तीन हिस्से होते हैं एक होता है मंत्र या औरत जिसको हम कह सकते हैं जो सिखाया जाता है और दूसरे नंबर पर होता है कुछ रसूम कुछ प्रथाएँ जो दी जाती हैं और तीसरे नंबर पर करने वाले के लिए कुछ उसकी शर्तें होती हैं कि ये काम करने होते हैं हिंदुओं के एस्कान पुराण को आप पढ़ेंगे तो जादू सीखने की आठ सिद्धियां वहां पर बताई गई हैं यानी आठ नियम बताए गए हैं सबसे पहले यम यानी दिल को जमाइए दूसरे नंबर पर नियम यानी जिस्मानी हरकत को मनज़म कीजिए तीसरे नंबर पर आसन यानी उठने बैठने के जो तरीक़े हैं उसको सेट कीजिए और चौथे नंबर पर नपरानायाम यानी खून के दौरान को रोकिए और पांचवे नंबर पर परतिया यानी आदत के खिलाफ कामों को ज़ाहिर कीजिए और छठे नंबर पर ध्यान यानी अपने आप को दुनिया से बेखबर कीजिए और सातवें नंबर पर धारणा यानी दिल से ऊपर वाले या भगवान की लव लगाइए हालांकि ये भगवान नहीं होते बल्कि शयातीन होते हैं और आठवें नंबर पर समाधि यानी उसमें फ़िना हो जाइए तो जैसा कि हमने कहा कि जादू का डायरेक्ट ताल्लुक शयातीन से होता है जिन्नास से होता है तो जिन्नास से जब ताल्लुक पैदा किया जाता है तभी ये इल्म आता है इसका अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं तो इन आठ असूलों को जब एक इंसान मुकम्मल कर लेता है तो शैतान उसकी ख़िदमत के लिए तैयार हो जाता है शैतान हर काम में उसकी मदद करना शुरू कर देता है और ओ समझने ये लगता है कि उसे बहुत सारा इख्तियार हासिल हो चुका है हालांकि ये सब कर रहा होता है शैतान उसकी मदद करता है और लोग उसके शर का शिकार होने लगते हैं आइए जानते हैं जादू की तारीख़ क्या है कब से जादू इस दुनिया में पाया जाता है तो इसकी तहक़ीक़ मुश्किल है कि जादू का ये इल्म या जादू का वजूद कब से है लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जादू हर मुल्क और हर कौम में पाया गया है इसकी तारीख बहुत पुरानी है कदीम मिस्रियों के यहाँ बुतों के पुजारी जादू पर ही अपने मदहब की बुनियाद रखते थे अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में देखें तो वैदिक धर्म में देवताओं की ताकत का ज़रिया जादू ही रहा है और जाहिर सी बात है कि जादू चूँकि शैतान का सरचश्मा है शैतान के ज़रिया ही हासिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ है आदत के ख़िलाफ़ चीज़ें जाहिर करने के लिए शैतान से तो ताल्लुक़ बनाना ही होगा इसके लिए शिरक़ पर मबनी जो धर्म हैं वो ऐसा किया किए हैं यूरोपी और अफ्रीकी ममालिक में भी जादू का वजूद बहुत ज़माने से चला रहा है अलबत्ता अगर हम बर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जादू के वजूद पर बात करें तो यहाँ पर जादू ईरान की धरती से आया कदीम ईरान में एक कौम थी जिसका नाम था मग ये लोग जरतश्त धर्म के मानने वाले थे संस्कृत में जादू को माई यानी मगों का इल्म कहा जाता है और इंग्लिश में अभी भी इसको मैजिक कहा जाता है जो मैजिक असल में ए, मग ही से लिया गया है माइग ही से लिया गया है तो जब मग कौम ईरान से हिंदुस्तान आई तो अपने साथ जादू के इल्म को भी लेकर आई जिसे हिंदुस्तान के रहने वालों ने सीखा अपनाया यहाँ तक के जादू हिंदू धर्म का एक हिस्सा बन गया चार योगों में से एक योग हट योग है जादू के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है हट योग जिसका मतलब होता है ज़बरदस्ती कायनात के प्रभु की तरफ़ पहुंचने की कोशिश करना और अगर आप देखें हिंदुस्तान में तो एक ज़माना पहले से दुनिया हिंदुस्तान को जादू नगरी से मानती रही है जानती रही है और बंगाल का काला जादू भी बहुत शोहरत रखता है बरकै जादू का हिंदुस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है लेकिन अगर हम पहले देखें तो ये जादू गैर मुस्लिमों तक महदूद था आज अगर हम अपने समाज और मुस्लिम माशरा मुस्लिम समाज का जायदा लें तो अफसोस होता है कि मुसलमानों के अंदर भी बड़ी तेज़ी से जादू फैलना शुरू हुआ और दायर सी बात है कि ये जहात का ही नतीजा होगा दिन से दूरी का ही नतीजा होगा कि मुस्लिम समाज में ये चीज़ आम होना शुरू हो जाए चुनानचे हम अपने मुस्लिम समाज में देखते हैं कि जादू के ज़ोर पर किसी के कारोबार को बिगाड़ दिया जाता है बाप बेटे के बीच इख्लाफ पैदा किया जाता है शोहर बीवी को एक दूसरे से दूर किया जाता है रिश्तेदारों के ताल्लुकात में खराबी पैदा की जाती है जादूगरों की ख़िदमत हासिल करके किसी के कारोबार को बिजनेस को नुकसान पहुँचाने की तदबीर की जाती है जादू के दरिया शोहर बीवी के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते हैं अल्लाह ने ख़ुद इसकी तरफ़ इशारा किया यु फ़र्रखून अभी ही बैन अलमर उदाव जी ही कि इसके दरिया शोहर और बीवी के बीच जुदाई डाली जाती है दो इंसानों के बीच जादू के दरिया मोहब्बत भी पैदा की जा सकती है खेती बारी और जानवरों को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है जिनसी ताकत को कमज़ोर किया जा सकता है औरत को बांझ बनाया जा सकता है हामला औरत के हमल को गिराया जा सकता है किसी को पागल किया जा सकता है किसी की शादी और मंगनी को मनसूख किया जा सकता है रद्द किया जा सकता है लेकिन ये सब कुछ जो होता है हमने कहा कि ये एक तरह की बीमारी है अल्लाह के हुक्म अल्लाह की इजादत और अल्लाह की मर्जी से होता है अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं होता आज कितने लोग जादू का इनकार करते हैं और कहते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की कर गई साइंस से इसकी तस्दीक नहीं करती इसकी तायिद नहीं करती हालांकि एक मुसलमान को इस किस्म की जहालत की तरफ कतअअ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है साइंस अभी भी बौनी है और इस्लाम एडवांस है इस्लाम की तलीमत एडवांस थी हैं और क़्यामत के दिन तक रहेंगी जादू का इनकार असल में कुरान और हदीस का इनकार है दुनिया मानती है और इस्लाम ने खुद इसकी तायद की क़ुरान और हदीस में जादू की सराहत आई है और मुख्तलि आयात में जादू की हकीकत बयान की गई है अल्लाह ताला ने फरमाया سوره البقره اية نمبر ايكس وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه वमााहम बेबार अबी मिन बदिन अल्लाह तआला फरमाता है कि सुलेमान सरेमान सलाम ने कुफ़्र नहीं किया बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया था जो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में सरज़मी बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर ये जो उतारा गया था वो असल में आजमाइश के लिए उतारे गए थे और वो किसी इंसान को उस वक्त तक जादू नहीं सिखाते थे जब तक कि ये ना कह देते कि देखो हम आजमाइश के लिए हैं लिहाजा कुफ़र मत करो गोया के जादू सीखना कुफ्र है जादू सीखोगे तो क़्र के रास्ते पर चले जाओगे जादू सीखोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे फ़ैतामुन अमिन हमामायू फ़र्रक़ु नबी बेनमर एवदाव जही तो वो उनसे वो चीज़ सीखते थे यानी जादू का इल्म सीखते थे जिससे शोहर और बीवी के बीच जुदाई डाल दें अल्लाह ने अख़ेर में फ़रमाया व माहुम बेदार अभी अहदिन अला बेदिन लेकिन वो अल्लाह रबामिन की मर्जी के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे भोजा के जादू का भी असर होता है तो अल्लाह की मर्दी से होता है उसी तरह अल्लाह ताला ने फिरौन के जादूगरों के हवाले से भी कहा जब हज़रत सलातो सलाम से मुकाबला के लिए ये जादूगर आए थे हजरत सलातो सलाम ने लाठी फेंकी थी जादूगरों ने लाठियाँ फेंकी थी सारी लाठियाँ सांप की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी तो मूसा आलातम की जो लाठी थी सांप की शक्ल इख्तियार की तो हजरत मूसा आलातम के सांप ने उनके सारे सांपों को निगल लिया जादूगर ही जादूगर की हकीकत को समझता है चुनानचे सारे जादूगर हजरत मूसा आलातम पर उसी वक्त ईमान ले आते चुनानचे अल्लाह ताली ने सरतः आयत नंबर उनहत्तर में बयान फरमाया सिक्सटी नाइन में वला फ़िल् है तो अता कि जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता और आयत नंबर सिक्सटी सिक्स में शुरत की ही आयत नंबर सिक्सटी सिक्स में अल्लाह ने फरमाया मन सरम अनह तसा कि हजरत मूसा सलाम के दिल में ये ख्याल गुजरा जादूगरों की रस्सियाँ और लाठियाँ दौड़ रही हैं यानी जादूगरों ने जब अपनी लाठियाँ फेंकें तो वो लाठियाँ सांप की शक्ल इख्तियार कर गईं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख़याल गुजरा कि लाठियाँ दौड़ रही हैं तो ये असल में नजरबंदी है जो जादू के दरिया किया जाता है ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में झांक कर देखें तो अल्लाह के नबी ऊपर जब जादू किया गया था तो बाब्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इलाज के तौर पर सुरा अन्नास और अल-फलक उतारा और उन दोनों सूरतों का अहतमाम करने की वजह से जादू का असर भी गया। अल्लाह ताला ने सिखाया दुआ करने का तरीक़ा सिखाया कि अमिन शर्रफ़ा सात फिर के मैं गिरहों में फूक मारने वाली जादूगरनियों की बुराई से अल्लाह की जनाब में पनाह मांगता हूँ उसी तरीके से अल्लाह ताला ने सुरा अन्नेसा आयत नंबर फिफ्टी वन में जादू का ज़िक्र किया यू मिनुन बिलजब व के वो जादूगरों और टोटके करने वाले काहिनों और बातिल माबूदों पर यकीन करते हैं जिबते क्या है हजरत उमर फारूक रदील्ल तु ने कहा कि जिब्द से मुराद जादू है और तावत से मुराद शयातीन है तो गोया के कुरान करीम में मुख्तल जगहों पर जादू का जिक्र आया है और अहादीत में भी जादू की हिलाकत खेजियाँ बयान की गई हैं चुनानची सही बुखारी और सही मसलिम की रवायत है अल्लाह के नबी सल्हसम ने इशाद फरमाया इशतनेबु असब अलमोबात लाक करने वाली चीज़ों से बचो यानी सात ऐसी चीज़ों से बचो जो हिलाकत खेज़ हैं जो हिलाक करने वाली हैं बर्बाद करने वाली हैं लोगों ने पूछा कि ये सात हिलाक करने वाली चीज़ें कौन सी हैं तो आपने फरमाया, को बिल्ला अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना व सिहर और जादू करना वत्ल नफ्स अति हरमल्ल्ला बिल्क और नाहक तरीक़े से किसी को कत्ल करना वक्ल रब्बा और सूद खाना अक्लु माल यतीम और यतीम का माल खाना व तवल्ली योम ज़हफ़ और मैदान जंग से पीठ फेर कर भाग जाना वक़्फुलमोहना तिलमिना तिल गाफिला और पाक दामन मोमिनात पर जिन का इल्ज़ाम डालना तो इस हदीस में बुनियादी तौर पर पहली जो दो चीज़ें हैं शर्क और जादू शर्क के फ़ौर बाद जादू का ज़िक्र किया गया जिससे जादू की हलाकत खेजी और खतरनाकी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है हमने पहले ही ज़िक्र किया कि जादू जब तक के शयातीन से ताल्लुक क़ायम ना किया जाए उस वक्त तक किसी को आता ही नहीं तो जादू और शिर का बराह रास्त आपस में गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि जादू से शयातीन की इबादत होती है और शयातीन की नज़दीकी चाही जाती है उनकी कुरबत चाही जाती है जादू का हुक्म क्या है जब जादू का ताल्लुक बराह रास्त शयातीन से होता है जादू शिर किए बगैर हासिल होता ही नहीं तो इस्लाम ये कहता है कि जादू सीखना कुफ्र है जादू सीखने वाला काफिर है अभी आयत जो गुजरी उसमें अल्लाह फ़रमाता है वलाकिन शयातीन कफ़ारू योमा सरा कि शयातिन ने असल में कुफ्र किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे ये शैतानों का कुफ्र था कि वो लोगों को जादू सिखाया करते थे इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ला ने कहा कि जादूगर काफिर है उसी तरह आगे की जो इसी शुरह में आयत है कि इन नमा नहनो फित नतुन फ़ला तकफर कि हम तो आजमाइश हैं लिहाजा कुफ़्र मत करो जादू सीख कर तो गोया कि अगर कोई जादू सीखता है तो वो कफ़्र करता है और जादू सीखना कफ़्र है इस आयत के अंदर भी फरिश्तों की ज़बानी इस बात का इशारा पाया जाता है के जादू सीखना असल में कुफ है। सै बखारी की एक रिवायत में आता है हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह तहोंने हजरत बजाला बिन अब्दा को लिखा था कि अनि तोलू कुल्सान वसाहरा हर जादूगर और जादूगरनी को कत्ल कर दो बजाला कहते हैं कि फकतल ना सलासवा हमने तीन जादूगरों को कत्ल किया और सहाब कराम के ज़माने में तीन सहाबा से ये मनक़ूल है कि उन्होंने जादूगरों को क़त्ल किया या कत्ल कराया हजरत उमर, हजरत हफ्सा और हज़रत जन्दुब रदी अल्लाह हज़रत जन्दुब ऱी अल्लाह तालों की मौकूफ़न एक रिवायत ही है वो फरमाते हैं कि हद हदसा गरबनबैफ़ ये रिवायत मरफुआन भी रिवायत की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है हालांकि ये मौकूफ़ा साबित है मरफुआन साबित नहीं ये हजरत जुंदुब रदी अल्लाह का कौल है ये साबित है कि जादूगर की सज़ा ये है कि उसका सर क़लम कर दिया जाए उसका उसका सर काट दिया जाए लेकिन ये सजा कब दी जाएगी जबकि इस्लामी हुकूमत हो अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है इस्लामी कोर्ट नहीं है तो फिर किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी को सजा दे और अगर कोई इस्लामी कोर्ट के बगैर कोई किसी को सजा दे देता है तो मुजरिम ठारेगा अब सवाल ये है कि जादूगर को क्या तौबा की तरगीब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी तो इमाम मालिक हम तो फरमाते हैं कि जादूगर काफिर है वो जादू की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा और उसको तोबा की तरगीब नहीं दिलाई जाएगी बल्कि उसका कत्ल जिंदी के कत्ल के जैसे है यानी इस्लाम से फेर जाने वाले के कत्ल के जैसे है क्योंकि असल में जादू जादूगर के दिल में बिल्कुल पेवस्त हो जाया करता है जो तोबा से नहीं निकलता और कभी कभार बल्कि अक्सर अवकात में जादूगर तोबा तो करता है लेकिन वो झूठ बोल कर के तौब कर रहा होता है और उसका ज़र्र उसका नुकसान लोगों पर बाकी ही रहता है तो जादूगर की जो शरारत होती है वो शरारत ख़त्म नहीं होती और जाहिर में वो बोल देता है कि मैंने तोबा कर लिया है लिहाजा मुसलमानों को उसकी तकलीफ से बचाने के लिए और दूसरे लोगों के लिए इबरत हो नसीहत हो कि समाज में ऐसे फितना परवर ना पैदा हों इसलिए सज़ा के तौर पर ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा शेख इबिनबा रहमत ला इसी कौल को तरजीह देते हैं लेकिन एक दूसरा कौल ये भी है कि अगर जादूगर सच्ची तौबा कर लेता है और जादू के अमल से रुक जाता है तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी क्योंकि जादू शिरक से बड़ा गुनाह नहीं है अल अललमूम वरना हमने अर्ज़ किया कि जादू का इलम उसी वक्त हासिल होता है जबकि आदमी शिरक करे तो शिरक और जादू दोनों एक साथ मिलता जुलता अमल है तो जब मुश की तोबा कबूल कर ली जाती है तो जादूगर की आखिर तोबा क्यों ना कबूल की जाए जबकि हम देखते हैं कि मूसा अलाम के ज़माने में जादूगरों ने इस्लाम कबूल किया और उनकी तौबा कबूल की गई तो इस ना से अगर जादूगर सच्ची तौबा करते हैं तो उनकी तौबा कबूल की जा सकती है लेकिन ने जादूगरों के शरारत की वजह से जादू की हलाकत अंगेजी की वजह से ये कहा कि ऐसे लोगों को समाज से ख़त्म कर दिया जाए और उनको मौका भी ना दिया जाए कि ऐसा ना हो कि बाद में फिर वो शरारत करें अब सवाल ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का ये अमल हुआ था और इसकी सराहत ऑथेंटिक रिवायतों से होती है सही बुखारी और सही मुस्लिम की ऑथेंटिक रिवायतें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह के नबी वसल्लम पर जादू हुआ था बनु जुरैक का एक यहूदी था जिसका नाम था लबीद बिन आसम लबीद बिन आसम ने ये जादू किया था लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम को वही के दरिया ख़बर कर दी गई और आप पे को उससे शफा भी मिल गई अलबत्त जादू का असर किस हद तक था आप पे क्या ये जादू वहीं असर अंदाज हुआ था कतअन नहीं जादू का असर इस हद तक था कि आप कोई काम खासकर फैमिली के हवाले से किए नहीं होते थे और आपको एहसास होता था कि हमने कर लिया है मिसाल के तौर पर अपने अहले खाना के पास आए नहीं होते थे और आपको एहसास होता है कि हम आ चुके हैं ऐसा एहसास होता था फिर अल्लाह ताला ने वही के दरिया आपको जादू का पता बता दिया और कहा गया कि जरवान कुएँ में जरवान कुएँ में कंघी और कंघी से टूटे हुए बालों पर खजूर के खोसा के गिलाफ में रख कर उसमें बंद कर दिया गया है चुनानचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आदमी को भेज करके उसे निकलवाया उसे खोला और फिर उसे एक जगह पर दफन कर दिया हज़रत आयशा सिद्दार रही अन्हा ने इस हदीस के अखीर में सैबारी की इस रवायत में आपसे कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लाम इससे यहूदी की हरकत का एलान क्यों नहीं करते इसकी तस्ीर क्यों नहीं करते आप वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी इसलिए मुझे ये पसंद नहीं कि मैं लोगों में इस बुराई को भरकाऊँ यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता हमें समझ में आता है कि अगर कहीं शर है बुराई है तो उस बुराई को खवा खा हवा नहीं देना चाहिए कि उस बुराई का शर और फैलना शुरू हो जाए बल्कि कभी कभार खामोशी से भी बुराई को दबाया जा सकता है भरक़ कै जादूगर जादू कैसे करता है तो जब आप जादूगर के पास जाएंगे और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिनों, नजूमियों और जोयों के पास जाने से मना किया आपने फरमाया कि मन अता काहनान और अर्राफ़न फ़सद कहु बिमा यक़ोल फ़क़द कफ़र बिमा दिला महमदिन के जो आदमी किसी काहन या नजूमी या जोयशी के पास आता है और उसकी बात की तस्दीक करता है तो उसने शरीय महमदिया का इनकार किया ये सुन बदाऊद की रवायत है और सई मुस्लिम की रवायत है अल्लाह के नबी सल्हसम फरमाते हैं मन अता काहन और फ़सा लैन लमतुखबल्लू सलातबी अल जो आदमी किसी काहिन या नजूमी के पास आता है और उसकी तस्दीक नहीं करता बस उससे पूछता है चालीस दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती चालीस दिन तक उसकी नमाज कबूल ना होने का मतलब ये नहीं है कि उससे नमाज ही माफ़ है नहीं उसको नमाज पढ़ना है लेकिन उस नमाज का उसे कोई नहीं मिलता अलबतः फ़र्ज़ साकित हो जाता है बरक़ैफ़ जब आप जादूगर के पास जाएंगे तो आपसे आपका नाम पूछेगा आपकी माँ का नाम पूछेगा फिर उससे मतलक़ बाल कपड़ा या फोटो वगैरह पूछेगा नाखून वगैरह पूछेगा फिर वो खुशबूदार धोनी वगैरह सुलगाएगा उसमें कुफ्रिया और शिरकिया मंत्र पढ़ेगा इस मंत्र में जिनों के जो सरदार होते हैं शयातीन और इब्लीस जो है उनकी वो पूजा करेगा क़ुरान और हदीस की एहानत करेगा ये सब करने के बाद ही जादू का अमल कारगर होगा जादू का अमल असरअंदाज होगा और जादू की पहचान बुनियादी तौर पर यही है कि वो आम तौर पर नाम और माँ का नाम पूछता है किसी जानवर को दबाह करने का हुक्म देता है अलग थलग बंद कमरे में रहने और कुछ ख़ास मंत्र पढ़ने का हुक्म देता है आदाद वगैरह अजीब अजीब तरह के लिखने का हुक्म देता है या ना समझने वाले कलिमत वगैरह ज़बान से अदा करता है ये सारी चीज़ें जादूगर की पहचान बनती हैं अब आखिर में सवाल यह है कि जादू का इलाज क्या है जादू भी एक बीमारी है और उसका इलाज मौजूद है मुसन अहमद की रवायत है अल्लाह के नबी सत फरमाया मा अन जल लुदा अन्ला अन ज़ल लु शफ़ा अल्लाह कोई ऐसी बीमारी उतारी ही नहीं जिसकी शिफ़ा न उतारी हो लेकिन होता ये है कि बहुत सारे लोगों को उसका इल्म होता है और बहुत सारे लोगों को उसका इल्म नहीं होता सबसे पहले जैसा कि कहा जाता है कि परहेज़ सबसे बेहतर इलाज है तो हमें चाहिए कि जादू के आने से पहले जादू से बचाओ करने की कोशिश करें क्या करेंगे कि जादू से बच सकें तो सबसे पहले नंबर पर पुख्ता ईमान हो जिसका ईमान अल्लाह की दात पर पुख्ता होगा वो ये समझेगा कि उमा हम बेदारी नबी मिन अदिन अबिनिल्ला जादूगर अल्लाह की इजाज़त से ही किसी को नुकसान पहुँचाते हैं अरे अब्द क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी है तो अल्लाह पर ठोस यकीन और एतमाद रखें अल्लाह आलमीन आपको बचाएगा लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार किसी के ऊपर नेक बंदे के ऊपर भी जादू का असर हो सकता है लेकिन ये पहला तरीक़ा है कि हमेशा हमारा अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन हो दूसरे नंबर पर सुबह शाम के अधिकार और अवाद की पाबंदी की जाए एक दुआ की किताब है मुस्लिम हसनमसलिमत ही ऑथेंटिक दुआ की किताब है हर ज़बान में उसका तर्जमा भी मिलता है हम अपने भाइयों और अपनी बहनों से गुज़ारिश करेंगे कि इस दुआ की किताब को अपने पास रखें और सिर्फ़ जादू से बचने के लिए नहीं बल्कि हर वबा बला बीमारी से बचने के लिए इसमें जो दुआएं हैं ख़ास तौर पर सुबह शाम के अदकार हैं उन अदकार की पाबंदी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तीसरे नंबर पर जादू के शर से बचने के लिए जादूगरों से भी दूर रहें जादूगरों के करीब ना जाएं, काहिनों, नजूमियों और जयितियों से दूर रहें ऐसे लोगों के करीब जाएंगे तो आप उनके फितना का शिकार हो सकते अब सवाल ये है कि अगर किसी को जादू हो जाता है तो जादू होने के बाद क्या किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर अगर जादू हो जाता है और जादू का पता लग सकता है तो जादू का पता लगाया जाए अगर जादू का पता लग जाता है और जहाँ जादू किया गया है उस जादू को निकाल करके उसे तल्फ कर दिया जाए बर्बाद कर दिया जाए उसे खोल दिया जाए अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए तो खुद ब खुद जादू ख़त्म हो जाएगा जैसा कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू की जगह का पता बताया गया और आपने उस जादू को खोल दिया जादू का असर जाता रहा अगर उसका पता नहीं चलता है फिर भी शर् और औरत का अहतमाम करके जादू की इस बीमारी को दूर किया जा सकता है शेख इबन बाज़ रहमत ला फरमाते हैं कि जहाँ तक जादू को शर् तरीक़ा पर उतारने का ताल्लुक है तो ये अहल इल अरबा बसरत और तजर्बाकार लोग ही ऐसा कर सकते हैं हर एक के पास नहीं जाना चाहिए ईमान का सौदा करने वाले काहिनों, नजूमियों और ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए और हर एक आलिम के बस की बात भी नहीं होती कि जादू का इलाज करे जो तजर्बा रखने वाले लोग होते हैं ऐसे ही लोगों के पास जाना चाहिए फिर शेख फरमाते हैं कि आमिल पढ़ी जाने वाली सूरतों और आयतों में से जिस पर जादू हुआ है शरा फातिहा बार बार पढ़े शुर फातिहा का बहुत असर होता है इसलिए शरा फातिहा पढ़े बार बार आयतुल कुर्सी पढ़े बार बार पढ़े उसी तरीके से आराफ, ताहा, शुराफ यूनुस में मौजूद जो आय आयात जादू हैं शहर से मुत्ल़़ा आयतें हैं उन आयतों को भी पढ़े उसी तरह सरालकाफरन मऊदत करके यानी सुरा शराफलक और शरास और शरास पढ़ करके मरीज़ पर दम करे और एक इंसान खुद अपने ऊपर दम कर सकता है अगर अपने ऊपर दम नहीं कर सकता है तो किसी आदमी से दम करा ले हज़रत जबरील अल्लाह के नबी सल्ह वसम के पास आए थे जबकि आपको आ, इसकी शिकायत हुई थी जादू की तो हज़रत जबरील आल सलाम ने बता एक के दुआ पढ़ करके आप पे दम किया था इस दम का भी अहतमाम करना चाहिए हज़रत जबरील सलाम ने दुआ की थी बिसमिल्ल अरी का मिनकुल शैन यऊदी का मिन शर्र कल नफसिन ओनिन हासदिन यशफ़ी का बसमिल्ल अरक़ी का बसमिल्ल अरक़ी का मिनकुल शैन यऊदी का मिन शर्र कुल्ले नफसिन ओन हाश दिन अल्लाह यशफ़ी का बसमिल्ला अरक़ी का शेख इबनबा रहमत फ़रमाते हैं कि इस दुआ को भी तीन तीन बार पढ़ करके दम किया जाए उसी तरीक़े से एक दुआ और है जिसका अहतमाम करना चाहिए पढ़ना चाहिए अल्लाह मब अदबिलबास अशफी ही व अनतशाफ़ी شفاء شفاءً شفاء شفاءً ला शफा ला शफा उक शफा अन ला धेरो मरबन्नास अदहीबिल्बास अशफी ही वंती ला शफा ला शफा उक शिफ़ा अन ला ुगा दे सक़मा शेखीबाद रहमत ला फ़रमाते हैं कि इस दुआ को भी तीन मरतबा पढ़ करके दम करना चाहिए शेखीबाद रमत ला ने एक जादू का तरीक़ इलाज ही बताया है और इसे भी इख्तियार करना चाहिए अगर किसी को इसकी शिकायत है तो शेख इमन रहमतुल्लाह अलैह का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि वो किताब सुन्नत के पुख्ता आलिम थे और किताब सुन्नत पर गहरी नज़र थी उनकी शेख फरमाते हैं कि बैरी के सात हरे पत्ते लेकर उन्हें पत्थर वगैरह से बारीक पीस लिया जाए साथ हरे पत्ते बैरी के लेकर के पत्थर वगैरह से उन्हें पीस लिया जाए फिर बर्तन में रख करके उसमें इतना पानी डालें कि किसल के लिए काफ़ी हो और उसमें से कुछ पी भी लिया जाए लेकिन पियेंगे बाद में अभी पढ़ने के बाद उस पर आयतुलकरसी अल शराःलास शराफल अन्नास ये सारी सूरतें पढ़ी जाएँ और फिर जादू से मतलक़ा जो आयतें हैं उन आयतों को पढ़ा जाए जादू से मुतल जो आयतें हैं जैसे शराः आराफ़ है शराः आराफ में आयत नंबर 106 قال न तब आयतिन फ़त्तिबा इनकन तमिन सदिन इससे लेकर के आयत नंबर 122 तक 106 से 122 तक की आयतें बनती हैं इन्हें पढ़ लिया जाए उसी तरीके से सराताहा हाँ सराताहा ताहा की आयत नंबर 65 से सिक्सटी नाइन तक पैंसठ से उनहत्तर नंबर की आयत जिसकी शुरुआत होती है कालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व अन नकून मन अल्का इन सूरतों को पढ़ करके उस पानी पर दम करें जिसे आपने बाल्टी में रखा है फिर उसमें से कुछ हिस्सा पी लें और बाकी जो हिस्सा है उस हिस्से से गसूल कर लें शेख इब्ने रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मरीज को फ़ायदा होगा अगर ज़रूरत महसूस हो तो इस अमल को बीमारी के ख़त्म होने तक दो मरतबा या तीन मरतबा या उससे भी ज़्यादा मरतबा दोहराया जा सकता है अब कुछ हिस्सी दवाओं को जानते हैं और इसी पर अपनी बात ख़त्म करेंगे हम दो मिनट में हिस्सी दवाओं के जरिया जादू का इलाज सबसे पहले नंबर पर अजवा खजूर के जरिया इलाज सई बुखारी और सई मुसलिम की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया मन तसब है बब ए ذلك लम سم वाला سحر सई बुखारी और सई मुस्लिम की ये रवायत है कि जिस किसी ने सात अजवा खजूरों से अपनी सुबह की यानी जिसने सुबह सुबह सात अजवा खजूरें खाई उसे उस दिन जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं जिनके की ज़बान से वही के फूल झड़ते थे इसलिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जिस किसी ने सात अजवा खजूर सुबह सुबह खाया उसे उस दिन जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ कलौन के दरिया इलाज बुखारी ही की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमायाद <स्यारी> <थी> हब्ब्ब <लह> असौदा <थुणा> शिफ़ा उन मिनकदालासाम मिन के कलौन हर बीमारी का इलाज है कॉल में हर बीमारी से शिफा है सिवाए शाम के पूछा गया कि शाम क्या है तो आपने फरमाया मौत है गोया के कॉलोन्जी में मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है इसलिए साथ अजवा खजूर सुबह सवेरे इस्तेमाल करने के साथ साथ कलोन्जी का भी इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए इसके भी अजीब असर होते हैं और मैंने ख़ुद तजरबा किया है सिंगी के ज़रिया इलाज यानी हजामा के जरिया इलाज इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे बताया है और सही बुखारी की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन सलमा तदावई तुम भी हजामा के सबसे बेहतर चीज़ जिसके ज़रिया तुम अपना इलाज करो वो हजामा कराना है और ख़ास तौर पर शनबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्हसम ने शाद फरमाया कि जिसने चाँद की सत्रह उन्नीस और इक्कीस तारीख को हजामा कराया उसे हर बीमारी से शफा मिलेगी तो इसका भी अहतमाम करना चाहिए और अगर चाँद की सत्रह उन्नीस और इक्कीस तारीख को हजामा कराएं तो इसका असर और ज़्यादा होगा इसे भी तजर्बा करके देखना चाहिए और एक आखिरी काम है जो शानदा जिसको अरबी में सना कहते हैं जो शानदा पिलाने का भी अजीब असर होगा सुन्न तिरमीदी की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया लव अन न शई अन का नफ़ी है शफा उन मिनल मौत सना अगर किसी चीज़ में मौत से शफा होती तो सना में होती इसलिए जो शानदार भी पीने का अहतमाम करना चाहिए इसके ज़रिया भी जादू से हमें फ़ायदा हो सकता है आखिर में हम आपसे कहेंगे कि जादू के इलाज के तल्ल से एक बहुत ही बेहतरीन किताब है उर्दू ज़बान में भी है जादू और आसेब का कामयाब इलाज अबू मंदिर खलील इब्राहिम की इस किताब का मतलब करें जादू के हवाले से जो दुआएं हैं जो अधिकार हैं जो टेक्निक है वो सारा टेक्निक उसमें बता दिया गया है बात ज़रा तवील हो गई लेकिन चूँकि बातें अहम थी इसलिए हम आपसे मदरत ख़ाह हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बीमारी आफत और वबा और जादू से आफ़ियत में रखे और हम सब की हफ़ाजत हम सब के साथ खैर का मामला फरमाए हम सबको ज़िंदा रखे तो ईमान पर ज़िंदा रखे और वफात दे तो ईमान पर वफात दे आमीन या रब्बालमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला व सहबीही अजमाइन